नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं आपके साथ शगुफा सैयदा। दिल्ली एनसीआर में अत्याचार होने की खबरें लगातार आती रहती है। इसको लेकर पूर्वोत्तर के संगठन आवाज भी उठाते हैं और सरकारों पर निशाना भी साधते हैं, लेकिन शायद देश के बाकी हिस्सों के लोग आज भी उनके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या असम की एक महिला के साथ गुरुग्राम में पुलिस इतनी दरिंदगी करती, जिसे सुनकर एक बार रूप कांप उठेगा और पूछेंगे कि आखिर पुलिस जाहिलियत पर क्यों उतर जाती है। असम के दरांग जिले में पुलिस ने अपनी हैवानियत दिखाई, जहां तीन मुसलमान बहनों को पुलिस ने कस्टडी में रखकर जुर्म सितम किया। तीनों के कपड़े फाड़ कर उन्हें निवस्त्र कर पीटा गया। इसमें से एक महिला गर्भवती भी थी, जिसके बच्चे की मौत भी हो गई। घटना दरंग जिले के पुलिस आउटपोस्ट का है। पुलिस ने इन महिलाओं को एक मुस्लिम युवक पर हिंदू महिला को अगवा करने के आरोप के बाद हिरासत में लिया था। फिलहाल पीड़ित महिला का भाई पुलिस हिरासत में है। हालांकि गर्भवती महिला का कहना है कि उसका भाई और महिला पिछले 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं दूसरी पीड़िता का कहना है कि उनके पास दोनों के रिश्ते के बारे में सबूत है। उनके भाई पर किडनैपिंग का झूठा इल्जाम लगाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि हिंदू महिला ने अपने बयान में कहा है कि उसे जबरन ले जाया गया था। पीड़िता के मुताबिक, मेरा भाई सुबह 6:30 बजे उस महिला के साथ चौकी में आया। भाई ने पूछा कि केस उसके खिलाफ दर्ज किया गया है तो उनकी बहनों को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। इसके बाद उसे भी पीटा गया। हमें लगता है कि मेरे भाई और वो महिला एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरा भाई शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता। मुस्लिम युवती ने बताया, जब हमारा भाई जेल में था तब पुलिस चौकी में शर्मा और बोरो ने हमारे कपड़े फाड़ डाले और मारपीट की। पीड़ित युवतियों ने अपने शरीर पर लगे चोटों के फोटोग्राफ्स भी दिखाए। 28 वर्षीय पीड़िता ने अपने गाल पर पड़े लाल निशान को दिखाते हुए बताया कि ये पुलिस के थप्पड़ के निशान है, जिन्होंने उनके गाल पर थप्पड़ मारा था। उसने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, जब हमने शर्मा से पूछा कि वो हमें क्यों ले जा रहा है तो उसने पिस्टल दिखाते हुए कहा कि ज़्यादा मत बोल, चौकी में तेरा पति बंद है। मेरी बहनों के कपड़े फटे हुए थे और उसे लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। पीड़िता के मुताबिक, मेरी बहन के बाएं पैर में दिक्कत है, लेकिन वो उसके उसी पैर पर लाठी मार रहा था। मेरी बहन के साथ भी मारपीट की गई। हमने पुलिस वालों को बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने कहा ज़्यादा नाटक मत कर। उन्होंने दोनों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझ पर हमला बोला और मारपीट की। हमें न्याय चाहिए। शर्मा और विनीता समेत चौकी में मौजूद 4-5 पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ जो किया है उन्हें उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। असम के DGP कुलदीप सोकिया ने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस मामले में चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर महेंद्र शर्मा और महिला कांस्टेबल विनीता बोरा को मंगलवार 17 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ जाँच बैठाई गई है, जिसकी रिपोर्ट 7 दिन के अंदर मांगी गई है। देश में हर 2 में से 1 पुलिसकर्मियों को ये लगता है कि मुसलमानों को आरोपी होने की संभावना ज़्यादा होता है। तब ये सवाल उठता है कि जब पुलिस वाले ही किसी एक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो और ये मान बैठे हो कि समुदाय के लोग ही स्वाभाविक रूप से अपराधी होते हैं या उनके अपराध होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसे में उस समुदाय के व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग को लेकर भी पुलिसकर्मियों को बेहद हैरान करने वाला रवैया सामने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक 35% पुलिसकर्मियों का मानना है कि गौ हत्या के मामले में भीड़ का अपराधी को सजा देने वाला स्वाभाविक है। पुलिसकर्मियों की ऐसी ही मानसिकता रेप के अभियुक्त के मामले में भी है, क्योंकि रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि 43% पुलिसकर्मियों का मानना है कि रेप मामलों में भीड़ के द्वारा अभियुक्त को पीटा जाना स्वाभाविक बात है। इस तरह की मानसिकता में पुलिस से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि किसी को न्याय दिलाने की बात सोचेगी, क्योंकि आम इंसान कोई भी मुसीबत पड़ने पर सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि थाने और चौकी में
पुलिस उसकी बात सुनेगी और इंसाफ मिलेगा। लेकिन आए दिन ऐसे मामले सामने और सुनने को मिलता रहता है, इसमें ये पता चलता है कि पुलिसकर्मी की हद तक लोगों पर अत्याचार, किस हद तक लोगों पर अत्याचार करती है। इन सब के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार पुलिसकर्मियों की मानसिकता कैसे बदलेगी और वो थाने चौकियों में गरीब के साथ मारपीट करना कब बंद करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।